बनारस की बेटी ने भगवान गणेश की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो दुनिया आपको सलाम करती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है काशी की बेटी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली वाराणसी की निवेक्षा राय ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, वह भी दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर। यह पेंटिंग सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि इसे नग्न आंखों से देखना काफी मुश्किल है। मात्र 9x9 मिलीमीटर की इस पेंटिंग को मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस से देखा जा सकता है। भगवान गणेश की बनी इस छोटी पेंटिंग से निवेक्षा ने काशी के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। दूर से इस पेंटिंग को देखने पर लगता है कि यह पेंटिंग मात्र कई रंगों का एक मिलने वाला बिंदु है, मगर जैसे ही अवतल लेंस यानी कि छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने वाले ग्लास से देखते हैं तो भगवान गणेश की एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने बनकर उभर आती है। निरीक्षा ने इस पेंटिंग में खास तरह के पॉइंटेड ब्रश से रंग भरा है। इस ब्रश की साइज पेंसिल के नोक से भी कम है। इसी के साथ भारत में सबसे छोटी पेंटिंग बनाने पर उनका नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उनकी इस पेंटिंग का आकार 9mm × 9mm है। इससे पहले वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड केरल की डेंटिस्ट डॉक्टर सुस्मिन जेम्स के नाम था, जिन्होंने 4.5cm × 3.5cm साइज की कुड्डम मट्टम लोक नृत्य की एक मुख भंगिमा की पेंटिंग बनाई थी। मैंने 9mm × 9mm की गणेश जी की पेंटिंग बनाई है, जो कि बहुत ही छोटी है और वहाँ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में सबसे छोटी पेंटिंग मैंने बनाई है। इसे मैंने कुछ घंटों में ही कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। और मुझे प्रेरणा मेरी बुआ से मिली है, क्योंकि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और उनको देखकर मुझे सीख मिलती है कि किस तरह से हार नहीं मानना है और अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगा हमें। मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मैं उससे बना रही थी तो, और ब्रश भी थोड़ा सा ब्रश की वजह से भी मुझे दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया, स्पेक्स लगाया, फिर उसके बाद मैंने बनाया तो वो बन गया। इस पेंटिंग को देखने में लोगों को दिखाना हो तो कैसे देख पाएंगे लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो लोग देख सकते हैं क्लियरली। ऐसे तो ऐसे भी क्लियरली उन्हें हो सकता है, मगर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो वो बहुत क्लियर दिखेगा। अच्छा लगता है कि कोई बच्चा आपको देख के कुछ सीखता है, और मेरी बच्ची शुरू से ही होनहार रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है, और इतनी छोटी सी पेंटिंग 9mm की पेंटिंग बना के मुझे भी प्राउड किया है उन्होंने। मैं तो चाहती हूँ मेरे घर में हर एक बच्चा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। जब हमारे घर में कोई एंट्री करे तो सब कोई कहे कह रहे इनके घर में तो पूरे लोग रिकॉर्ड होल्डर है। और स्नेहा पहले भी मेरी रिकॉर्ड बना चुकी है, मेरी बड़ी भतीजी है। फिर मेरा भतीजा नवीश है, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है और ये भी रिकॉर्ड बनाई है। तो अभी तो कारवां चल रहा है, देखिए कहाँ तक जाऊँगी।